Jesus. Because you're worth all our praises. You're worth all the glory, honor.
लूक इसका पहला अध्याय और 29वें वचन। वह उस वचन से बहुत घबराई गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Father, in Jesus' name, I commit once again this morning service at your feet. पिता यीशु मसीह के नाम से इस सुबह की सभा को फिर एक बार आपके चरणों में सौंपते हैं। And I ask for your blessing. और तेरे आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Bless this morning service. इस सुबह की सभा को आशीषित करना। Bless the reading of the word. कि वचन पढ़ने के ऊपर प्रभु तू आशीषित करना। You are God who is just. तू परमेश्वर जो न्यायी है प्रभु। You are God who is mighty. तू ऐसा परमेश्वर जो सामर्थ्यवान है। You are God who is real. तू सच्चा परमेश्वर है। You are God who will not fail. तू कभी ना कामयाब होने वाला परमेश्वर नहीं। Thank you for giving us Jesus. धन्यवाद हमें यीशु देने के लिए। As your word says, Blessed are those whose Lord God is Jesus. जैसे तेरा वचन कहता है कि धन्य है वो जिनका प्रभु परमेश्वर यीशु है। Thank you for making us blessed out of 700 million people. धन्यवाद प्रभु कि 700 करोड़ लोगों की आबादी में हमें आशीषित बनाया। Choosing us for something. कि किसी बात के लिए हमें चुना। And help us to complete. और सहाय करके हम इसको पूरा करें। What you chose us for. जिसके लिए तूने हमें चुना है। Maybe we be sensitive. कि ताकि हम उस बात के लिए संवेदनशील रहें। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Last Sunday I said that angel of the Lord said to Mary. पिछले संडे मैंने आपको कहा कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, You shall call him Jesus. कि तू उसे यीशु कहलाएगी. And the world heard the name of Jesus. और जगत ने यीशु नाम को सुना. First time. पहली बार. I told you that God never gave the name in Old Testament. मैंने कहा कि आपको परमेश्वर ने पुराने नियम में कभी भी ये नाम नहीं बताया. In New Testament. नए नियम में. God gave them the name. परमेश्वर ने उन्हें वो नाम दिया. World heard the name of Jesus. जगत ने यीशु मसीह के नाम को सुना. And Jesus was born. और यीशु मसीह का जन्म हुआ. And God trusted that body. और परमेश्वर ने उस शरीर पर भरोसा रखा. To be His temple. कि वो उसका मंदिर बने. To be His son. कि वो उसका बेटा बने. To be His representative. कि वो उसका प्रतिनिधि बने. To be his glory. कि वो उसकी महिमा बने. God trusted that body. परमेश्वर ने उस शरीर पर भरोसा रखा. And all God's plan and purpose was in that body. और परमेश्वर की सारी मकसद और योजना उस शरीर में थी. And not only Mary was found favor और केवल and grace. और केवल मरियम पर अनुग्रह या कृपा दृष्टि नहीं हुई. To have Jesus. कि वो यीशु प्राप्त करे. Also in this world you found grace and favor to have Jesus. लेकिन उनके साथ साथ इस जगत में तुमको भी वो अनुग्रह कृपा दृष्टि मिली कि तुम यीशु को प्राप्त कर पाओ. The one who realized who Jesus is will know the favor and the grace. कि जिसको एहसास हुआ कि यीशु कौन है वो जानेगा वो अनुग्रह कृपा क्या है यीशु प्राप्त करने का. How radical you are saved, that much you know your God. कितने विशेष तौर पर तुम्हारा उद्धार हुआ है उस विशेष तौर पर तुम जानोगे परमेश्वर कौन है. You know, sometimes it takes time to understand. कभी कभी समय लगता है समझने के लिए. You know, when God came in a Peter's ship. कि जब परमेश्वर पतरस के उस जहाज पर आए. When Jesus came, he repented and he fell. जब यीशु मसीह आए तो उसने पश्चाताप किया वो गिर गया. And he said, I am no worthy. और उसने कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ. When Saul looked at, जब शॉल ने देखा, he became Paul. वो शॉल से पॉल बना. Overnight. रातों रात. But let me tell you. लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. Some people who accept Christ. कुछ लोग जो मसीह को ग्रहण करते हैं. But it takes still some time. लेकिन फिर भी उन्हें समय लगता है. Some people it takes years to understand. कुछ लोगों को साल लग जाते समझने. That they were wrong and Jesus was right. कि वो गलत थे और यीशु मसीह सही थे. And they keep on changing. और वो बदलते रहते. I've seen in my life. मैंने अपने जीवन में देखा है. I tried to change many people. मैं बहुत सारे लोगों को बदलने की कोशिश करता. But I realized I failed to change them. लेकिन मुझे ऐसा सोचा कि मैं नाकामयाब हुआ उन्हें बदलने के लिए. But one thing. लेकिन एक बात. When they are continuing keep them in Jesus. लेकिन जब हम उनको यीशु मसीह में बनाए रखते हैं, sooner or later, आज नहीं तो कल, they understand, उन्हें समझ आता है, not that you are right, Jesus is right, ये नहीं कि तुम जो बोल रहे थे तुम सही हो, लेकिन यीशु सही है, they understand that you are talking about him, उन्हें समझ आता है कि तुम उसके बारे में बोल रहे हो, and then they repent, और फिर जाकर वो पश्चाताप करते हैं, and the repentance is turning their life because
they come under conviction. और उनका पश्चाताप उनका जीवन परिवर्तित कर रहा है क्योंकि वो उस एहसास के पास आ रहे हैं. And conviction comes from the Lord. और वो एहसास वो खातरी है वो कबूली होती है वो परमेश्वर की ओर से आती है. And I pray that sooner everybody would get the conviction that we can turn to God fully. कि हम पूरी तौर पर परमेश्वर की ओर पलट कर उसकी ओर आ सकते हैं. Now that name that Jesus that the God has given to the world. अब ये जो नाम यीशु जो परमेश्वर ने जगत को दिया. You also receive that name. हमने भी उस नाम को प्राप्त किया. You are different because you have that name. तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास वो नाम है. Last week I shared with you. पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा. It depends how we respond to that name. ये इस पर निर्भर करता है कि हम उस नाम के प्रति कैसे उत्तर या जवाब देते हैं. It is up to us. ये हम पर है. But today he said. लेकिन आज वो कहता है. To Mary. उसने मरियम से कहा that you shall have a son. कि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा. And Mary said, how can it be? और मरियम ने कहा कि ये कैसे होगा? He said, Holy Ghost will overshadow you. उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा. I want to ask you one question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. Question, how can this happen? What God says. Holy Spirit is there to confirm and help you. अगर आपको किसी बात पर सवाल है कि ये कैसे होगा तो पवित्र आत्मा है परमेश्वर कहता कि वो है वहां पर आपको उस बात के लिए यकीन दिलाने. Holy Spirit always will perform what God has promised. पवित्र आत्मा हमेशा वो कार्य करेगा जो परमेश्वर ने वायदा किया है जिसका. And Holy Spirit on the earth is only for one thing to fulfill God's promise. और पवित्र आत्मा जगत में केवल एक बात के लिए वो है कि परमेश्वर की जो अभी वचन है उसके वायदे उसको पूरा करने. He is making wrinkle free church. वो कलीसिया को झुर्रियों से आजाद कर रहा है. He is working in the church. वो कलीसिया में काम कर रहा है. He is changing church. वो कलीसिया को बदल रहा है. Now Holy Ghost will overshadow you. अब पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा. And Mary, और मरियम, you will give birth to a son. तू एक पुत्र को जन्म देगी. And he shall be called Jesus. और उसे यीशु नाम दिया जाएगा. And Mary was confused. और मरियम को ये सवाल आए. But then when Holy Spirit will come upon you, he said. लेकिन जब उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा. Mary said, let it be done according to your will. मरियम ने कहा कि जैसे परमेश्वर की इच्छा तेरी इच्छा वैसे उस प्रकार से हो. I want to share with you something today. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आज. That God plan and purpose कि परमेश्वर की मकसद और योजना जो to reconcile the world कि जगत से एक बार फिर एक बार नाता जोड़ना. When Satan fell from above कि जब शैतान ऊपर से नीचे गिरा. He fell with one third on this earth. वो एक तिहाई लेकर नीचे यहाँ पर गिरा. And then when he fell down और जब वो नीचे गिरा. He destroyed Adam and Eve. उसने आदम और हवा का नाश किया. And he took the world in his hand. और उसने जगत को अपने हाथों में ले लिया. But God is a God of love. लेकिन परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है. God wants to reconcile. परमेश्वर समेट करना चाहता God है. God has a plan. परमेश्वर के पास एक योजना है. To reconcile the world. कि जगत के साथ फिर एक बार मिलन करना. Bible says in the beginning. बाइबल कहता कि शुरुआत में. God saw. परमेश्वर ने देखा कि जगत पर पूरी तरह से खराबी पैदा हुई. डार्कनेस एंड वॉइड जगत में पूरी अस्व्यस्त अंधकार थी. And God spoke the word. और परमेश्वर ने शब्द बोला. And he brought the light. और उसने जीवन लेकर आया. He separated the world. उसने जगत में फासला बनाया. From the water. पानी से अलग from कर दिया. The darkness. अंधकार से अलग कर he दिया. Brought the light. उसने रोशनी लेकर he आया. Created the human being. उसने मनुष्य को बनाया. He created Adam. उसने आदम को निर्माण किया. He created Eve. उसने हवा को निर्माण किया. And he blessed both of them. और उसने दोनों को आशीषित कर दिया. And he said, और वो कहता है There are angels, they have fallen down. कैसे दूत है जो नीचे गिरे हैं. They have destroyed this earth. उन्होंने जगत का नाश किया. But I have chosen you. लेकिन मैंने तुझे चुना है. I have trusted you. मैंने तुझ पर भरोसा रखा है. That you will multiply my blessing on this earth. कि तू मुझे जो आशीष है उसको बढ़ाएगा इस जगत पर. You will come against the work of Satan. तू शैतान के हर एक काम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा. And you will replenish the earth. और इस जगत को तू पुनर्स्थापित करेगा. And you will multiply. और तू गिनती में बढ़ेगा. And that's what he blessed Adam and Eve. और इसे इसी तरह से उसने आदम और हवा को आशीषित कर दिया. Today he has chosen you and me. आज उसने तुम्हें और मुझे चुना है. That we may be work for the extension of the kingdom of God. कि हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी का एक कार्य बने. World is chaos. जगत में पूरी अस्थिरता. World is darkness. पर जगत में अंधकार है. World is full of sin. जगत पाप से भरा है. But God has chosen you and me. लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है. And God said to Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा. That thou shall not eat that fruit. कि तुम उस फल को नहीं खाओगे. And God says. और परमेश्वर कहता है. Be fruitful. कि फल
फलदायक हो एंड मल्टीप्लाई और बहुगुणित हो. बाइबल से एवरी ट्री बोर दे काइंड ऑफ फ्रूट. बाइबल कहती है कि हर एक प्रकार के पेड़ ने उस प्रकार का फल दिया. एवरी ट्री बोर दे काइंड ऑफ फ्रूट. हर प्रकार के पेड़ ने अपने अपने प्रकार का फल दिया. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूं? What you are, your children are going to be like that. तुम जो हो बच्चे आपके वैसे ही होंगे. What kind of leader you are, your followers are going to be like that. किस प्रकार के अगवा आप हो आपके पीछे चलने वाले लोग वैसे ही बनेंगे. What kind of seed you are, that kind of harvest you are going to get. किस प्रकार के बीज हो आप उस प्रकार की फसल आपको प्राप्त होगी. Every tree bore the kind of fruit. हर प्रकार का पेड़ अपने प्रकार का फल लेकर आता है. God created Adam in his likeness. परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने प्रतिरूप में. And then और फिर he made Adam and Eve. उसने आदम और हवा बनाए in his likeness and image. अपने रूप में और अपने चित्र में. And he said to Adam, और उसने आदम से कहा, Now be fruitful. अब तू फलदायक हो. Now create. अब बना. Children like me. निर्माण कर तू बच्चे मेरे because जैसे. You are in my image. क्योंकि तू मेरे प्रतिरूप में है. Create children in my image. बच्चों को निर्माण कर मेरे प्रतिरूप में. Multiply. और तू गिनती में बढ़. Let the world may be multiplied with the sons of God. कि परमेश्वर के संतानों से जगत में गिनती बढ़े. Because world has the evil power. क्योंकि जगत में दुष्ट शक्ति है. World has the satanic forces. जगत में शैतानी सामर्थ है. But I want the world. लेकिन मैं चाहता हूँ जगत to multiply. कि वो बढ़े with the sons of God. परमेश्वर की संतानों से. And Bible says. और बाइबल कहती है. Adam and Eve, God blessed them. आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीषित किया. And he created that body. और उसने वो शरीर निर्माण किया. That body was only. वो शरीर केवल. The home that somebody can dwell in it. वो घर था जहाँ पर किसमें कोई रह पाता. On the earth. इस जगत में. Only body. केवल शरीर. That can dwell in it. कि जिसके अंदर कुछ रह पाए. And walk in this. और इस जगत में कार्य कर पाए. Before that, the Holy Spirit was wandering over the earth. उसके पहले पवित्र आत्मा जो था वो मंडरा रहा था. There was no place. कोई जगह नहीं थी. He made for himself one place. उसने अपने लिए एक जगह बनाई. He dwelt inside. कि ताकि उसमें रहे. He breathed inside. उसने सांस डाली. And he said, और उसने कहा, Now we will walk in it. अब हम इसमें से कार्य करेंगे. Adam was given free will. और आदम को स्व इच्छा दी गई. And then he said, और उसने कहा फिर, Let us multiply. अब हम गिनती बढ़ाएं. And there was an enemy. और एक शत्रु था. Who was Satan. और एक दुश्मन था जिसका नाम शैतान. खुश नहीं था उस बात He was scared से. वो डर गया था that now, कि अब the old, the children, कि सारे संतान जो will be like him. वो उसके समान होंगे. And this whole earth और ये पूरी पृथ्वी will go out of my hand. वो मेरे काबू से बाहर चली जाएगी. Bible says, बाइबल कहती है he deceived, उसने फसाया. Has the angel of the Lord came to Mary. जिस प्रकार परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया. The angel of the Satan came to Eve. शैतान का दूत हवा के पास आया. And he said to Eve, और उसने हवा से कहा, Eve, हवा, eat this fruit. इस फल को खा. Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा. And Bible says, और बाइबल कहती है, Eve obeyed and said yes to angel of Satan. हवा ने आज्ञा मानी और हाँ कहा शैतान के उस दूत को. Mary, मरियम, obeyed and said yes to angel of God. मरियम ने आज्ञा मानी और परमेश्वर के दूत को हाँ कहा और आज्ञा पालन किया. It is all depending on whom do you say yes. ये केवल इस पर निर्भर करता है कि तुम किसको हाँ कहते हो. It's depending on whom do you say yes. ये इस पर निर्भर है कि तुम हाँ किसको कहते हो. There's a white lie. एक सफेद झूठ होता है. You say yes, but there is a hidden secret sin in it. तुम हाँ कहते हो लेकिन उसमें छुपा हुआ एक गुप्त पाप होता है. We got to be so much careful. हमें इतना सावधान रहना है. The woman said, वो स्त्री ने कहा, to Jesus, यीशु से, the Samaritan woman said, वो सामरी स्त्री ने कहा, I'm not married. मेरा विवाह नहीं हुआ. They say, yes, you are right. उसने कहा, हाँ, तू सही बोल रही है. Five men you live. पांच पुरुषों के साथ तू रही. Six one also. छठा वो. And you say, you are not married. और तू बोल रही है कि तेरा विवाह नहीं हुआ. This is a white lie, so call it. एक सफेद झूठ होता है ऐसा कहला जाता है. Many of us use this white lie. हमें से बहुत लोग सफेद झूठ का प्रयोग करते हैं. But only. लेकिन केवल. You know. तुम जानते हो. You know. God alone knows us and we know us. सिर्फ परमेश्वर हमें जानता है और हम खुद अपने आप को जानते हैं. There's a white lie. एक सफेद झूठ होता है. That remains. वो बना रहता है. God said to Eve. परमेश्वर ने हवा से कहा. Don't eat that fruit. उस फल को मत खाना. But the angel of the Satan. लेकिन शैतान का दूत आया. And he said. और उसने कहा. Eat this fruit. इस फल को खा. Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा. It depends whom you listen. ये इस पर निर्भर करता है किसको सुनते हो. It depends whom we listen to. ये इस पर निर्भर है कि हम किसको सुनते हैं. The angel of the Lord came and told Mary. स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा. And angel of the Satan came and told
और शैतान के दूत ने आकर हवा से बात की. Eve heard him, हवा ने सुना उसे. And she ate that fruit. और उसने वो फल खाया. And you know what? और पता है क्या? How Satan possessed her, I don't know. कैसे शैतान ने उसको पछाड़ा मुझे नहीं पता. But the Cain was born. लेकिन कैन का जन्म हुआ. And book of Hebrews says, और इब्रानियों की किताब कहती है, he was wicked. वो दुष्ट था. God wanted son like his. परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप के समान एक संतान चाहे. When you read Bible, जब आप बाइबल पढ़ो, it says, वो कहता है, that one son, कि एक पुत्र, they were twins, you know, जुड़वे थे वो. One son, एक बेटा, was like father, वो पिता के समान and था. And Eve says, और हवा कहती है, I got another son, मुझे एक दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ. That is evil, जो बुरा है, दुष्ट है. Mary said yes, मरियम ने हाँ कहा. Now how Holy Spirit came upon her? I don't know. अब पवित्र आत्मा उस पर कैसे आया मुझे नहीं पता. How she conceived, I don't know. कैसे वो गर्भवती हुई मुझे नहीं पता. That is God's purpose. ये परमेश्वर का मकसद है. God's power. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. And Bible says, और बाइबल कहती है, that Jesus was born. कि यीशु मसीह का जन्म हुआ. She conceived. उस गर्भ से हो गई वो. And Bible says, और बाइबल कहती है, Jesus was born. यीशु मसीह का जन्म हुआ. 9 months. 9 महीने. In her stomach, उस गर्भ में, without father, पिता के बगैर, he was the son of God, वो परमेश्वर का पुत्र था. Holy Spirit gave birth, पवित्र आत्मा ने जन्म दिया. Satan, शैतान, he possessed Eve, उसने हवा को पछाड़ लिया. And he gave birth, और उसने जन्म दिया. To Cain, काइन को, who killed Abel. कि जिसने अबेल की हत्या की over the world. और उसने जगत पर राज किया. Says, after that, और बाइबल कहती है उसके बाद every birth, हर एक जन्म was Satan's. वो शैतानी था. Because even David says, क्योंकि दाऊद भी कहता है, I was conceived in sin, कि मेरा पाप में जन्म हुआ. I was conceived in sin, कि मैं पाप में जन्म लिया मैंने. In my mother's womb, मैं अपनी माँ के गर्भ में. I was conceived in sin in my mother's womb. मैं अपने माँ के गर्भ में मेरा पाप में जन्म हुआ. When God looked at, कि जब परमेश्वर ने देखा, He said, उसने कहा, Woman, स्त्री, What have you done? तूने क्या किया है? There are certain things what you have done, you cannot go back. कि कुछ चीजें जो हम करते हैं वहाँ से पलट नहीं सकते हम. That's why we got to be so much careful every step we take. इसलिए हमें इतना सावधान रहना है हर एक कदम जो हम लेते हैं. There are some step we take, there is sun will never rise in our life. कि कुछ कदम ऐसे हम उठाते हैं कि जिसके ऊपर कोई कभी कोई सूर्य उदय नहीं होगा. होल वर्ल्ड विल एंजॉय, कि पूरा जगत देखकर आनंद करेगा. बट वी विल क्राई, लेकिन हम रोएंगे. होल वर्ल्ड विल बी इन द लाइट, पूरा जगत रोशनी में होगा. बट विल बी इन डार्कनेस, लेकिन हम अंधकार में होंगे. बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ स्टेप यू टेक, सावधान रहे किस प्रकार का कदम हम उठाते हैं. चॉइस इज योर्स, चुनाव हमारा है. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? Woman, what did you do? स्त्री तूने क्या किया? Adam, what did you do? आदम तूने क्या किया? Adam started complaining about his wife. आदम अपने पत्नी के बारे में शिकायत करने लगा. And woman started complaining about snake. और वो स्त्री हवा वो शिकायत करने लगी उस सांप के बारे में. That is Satan. जो कि शैतान. And the complaint went on complaint. और शिकायत पर शिकायत बनते आई. And God says. और परमेश्वर कहता है. Why have you done this? तुमने क्यों किया ये? You know, it's not only what you did, but you messed up my plan and purpose for whole world. केवल ये नहीं कि तुमने क्या किया वो, लेकिन तुमने जो मेरी योजना थी पूरे जगत के लिए उसको खराब कर दिया है. Be careful. सावधान रहो. What you do, how much effect is taking place? किस जो तुम करते हो उसका परिणाम कितना हो रहा है? There are some people. कुछ लोग हैं. How they lived in their life. कि अपने जीवन में कैसे जिए. They did not bother, but they don't know how much effect of problem and suffering they caused the world. कि उन्हें पता नहीं कि वो कैसे जिए, लेकिन उसके वजह से होने वाला परिणाम और तकलीफ बाकी जगत पर कितना हुआ उन्हें एहसास तक नहीं. Many husband do not realize. बहुत सारे पतियों को ये पता नहीं है. The hardness of the heart. कि उनके दिल की कठोरता. Has made their wife suffered lot and their children suffered lot. And messed up their life so much. कि उनकी पत्नी को बड़ा ही संघर्ष गुजरना पड़ा और उनके बीवी बच्चों पर बहुत जुल्म और बहुत तकलीफें उनको उठानी पड़ी उस बात से. Many women did not realize. बहुत स्त्रियों को यह एहसास नहीं हुआ. The hardness has caused whole damage all the family. कि उनके कठोरता से पूरे परिवार पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. And we think we have done nothing. और हम सोचते कि हमने कुछ भी नहीं किया. But we don't know what we have caused for them. लेकिन हमें पता नहीं कि हमने दूसरों पर क्या
लाया है। Adam and Eve were saying, "There's nothing. We just ate the fruit." आदम और हवा बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, बस वो फल खाया। But you do not know. लेकिन तुम्हें पता नहीं। What you are doing it is going to be connected to the world. कि तुम जो कर रहे हो, वो जगत से जुड़ा हुआ होगा। Mary, your yes is going to be connected to the world, the blessings of the world. मरिया, तेरा हाँ बोलना, वो जगत से जुड़ा होगा, जगत के आशीषों से जुड़ा होगा। So either your yes or no. तो या तो तेरा हाँ है तेरा ना। Because God has a purpose. परमेश्वर के प्रति उसका एक मकसद है। That's why it is very important for us to follow God. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर के पीछे चले। The Eve said. हवा ने कहा। God said to Eve. परमेश्वर ने हवा से What कहा। What did you do? तूने क्या किया? Now because you did. अब क्योंकि तूने किया ये। Adam has to struggle. आदम को संघर्ष करना पड़ेगा। To earn money. उसे कमाने के लिए। And because you did. और क्योंकि तूने किया। Every time, हर एक बार, you give birth to a child, तू एक बच्चे को जन्म देगी, you will go through that pain, तू उस तकलीफ और दर्द से जाएगी, and that pain, और वो दर्द, is a curse to you, वो तेरे लिए श्राप होगा, and he said to Satan, और उसने शैतान से कहा, the snake, वो सांप से, from now you will crawl on the ground, अब से तू ज़मीन पर रेंगेगा, I believe before that he had a feet, और मुझे यकीन है कि उसके पहले उसके पास पैर थे, जहाँ पर पाय है चांगदेव चाला Pride can destroy. हमारा घमंड नाश नुकसान कर सकता है। The more blessing God gives, more pride comes to us. जब बहुत आशीष परमेश्वर देता है, बहुत घमंड भी आता है कभी। You know, your behavior against servant of God shows your behavior against God. तुम्हारा बर्ताव परमेश्वर के दास के खिलाफ दिखाता है तुम्हारा बर्ताव परमेश्वर के प्रति कैसा है। There was a time when servant of God used to speak, you say Amen and you went and you got blessed. एक समय था जब परमेश्वर का दास कुछ बोलता तुम आमेन बोलते हो जाते और आशीषित होते थे। But time that you said the servant of God is speaking, I know more than enough. और एक समय आया कि जब तुमने कहा कि परमेश्वर का दास जो बोल रहा है मुझे उससे ज्यादा पता है। You say I know I am a great man now. तुम्हें पता है तुम बोलते हो कि अब मैं महान व्यक्ति हूँ मुझे पता है ये। And you start judging और तुम न्याय करना शुरू करते हो and you start going out and saying और तुम बाहर जाकर ये बोलना शुरू करते हो because pride has come in us क्योंकि घमंड हमारे अंदर है the humbleness is gone नम्रता चली गई है it's not about him it's about us अब ये उसके बारे में नहीं ये हमारे बारे में है be careful सावधान रहे no matter whatever it is कि चाहे कोई भी बात क्यों ना हो no matter how big you become कि चाहे कितने बड़े क्यों ना बने no matter how beautiful wife and children you got कि कितनी खूबसूरत बीवी या बच्चे हमारे पास क्यों ना हो don't ever come against your father and mother कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े ना होना God said to him, परमेश्वर ने उसे कहा Now you will give birth, अब तू जन्म देगी and in birth you will have pain, और जन्म देते समय तुझे दुख तकलीफ होगी because your birth will identify my pain, क्योंकि तेरा जन्म देना ये दर्शाएगा मेरे दर्द को whenever you give birth on this earth, ना कि जब भी इस जगत में तू जन्म देगी ना it will be hurting me, वो मुझे चोट पहुंचाती रहेगी because I wanted, क्योंकि मैंने चाहा था The children of God. परमेश्वर के संतान I wanted मैंने चाहता world to be full of me कि जगत मुझसे पूरी तरह से भर जाए the world to be under power of me कि जगत मेरे सामर्थ्य के अंदर हो जाए I wanted मैंने चाहता to colonize the earth कि मैं वहां पर colonize करूं इस पृथ्वी को It is in heaven. जैसे वो स्वर्ग में है But you messed up my plan. लेकिन तुमने मेरे मकसद को खराब कर दिया कि मैं क्या किया For you it was small, but it caused damage to whole world. तेरे लिए वो छोटा था लेकिन पूरे जगत पर नुकसान हुआ उससे You do little bit and you sit in one corner and you say, I've done nothing, बाबा छोटा था but you don't know what you have done there. What you have written is destroying the earth. तुझे कुछ समझ में नहीं आता तू कुछ छोटा कर लेता और छुप कर जाके बैठता है बोलता कि मैंने क्या किया लेकिन तुझे पता नहीं तेरे कुछ ऐसे करने से पूरे जगत पर उसका परिणाम हुआ है And whole world will be affected. और पूरा जगत उससे प्रभावित होगा Now every child will be born. अब हर एक बच्चा जन्म लेगा I will have pain. मुझे दुख होगा I will have trouble. मुझे तकलीफ होगी The world. जगत The plan that I have. जो मकसद मेरा है is destroyed. वो खराब हो गया है But one thing is there. लेकिन एक बात है God never give up. परमेश्वर कभी हार नहीं मानता पुनः समेट रिकंसाइल दिया गॉड वांटेड परमेश्वर ने चाहा एंड गॉड इज गुड और परमेश्वर भला है पण त्यांच्यासाठी ज्याचं मन आहे ही नेवर फोर्स वो कभी जबरदस्ती नहीं करता ही हैज मेनी एज बिलीव इन हिम जितने उस पर विश्वास रखते हैं देव आपला सरका नहीं है देव क्षमा करना है दया करना है देव पुनः आपल्याला बोलवणारा है Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? Without condition, बगैर कोई शर्त के. वापस आ जा. मेरे प्यार में तेरी ताकत है. मेरे प्यार में तेरा सब कुछ है. मेरे प्यार में तेरा पुरोटा है. मेरे प्यार में तेरे को पसीना नहीं डालना पड़ेगा. मेरे प्यार में तेरे जन्म के अंदर तेरे को दुख नहीं होगा. लेकिन तकलीफ नहीं होगी. आनंद होगा. He said to Eve. उसने हवा से कहा.
Now, अब this will be punishment. ये सजा होगी. Because you will realize. क्योंकि तुझे एहसास होगा. What you have caused me. कि तूने मुझे क्या किया है. By giving birth to these children. इन प्रकार के बच्चों को जन्म देकर. And he cursed the earth. और उसने जगत को श्रापित किया. He said to the earth. उसने जगत से कहा. You know, he cursed them. उसने उसको श्रापित कर दिया. And they said when Jesus died. और इसलिए जब यीशु मसीह जो क्रूस से जो लहू है fell into earth. वो उस पृथ्वी पर गिरा जमीन में. And there was a crack. और वहां पर एक दरार पड़ी. And from those crack, और उस दरार से blood went into earth. वो खून भीतर चला गया पृथ्वी and में. Broke the curse of the earth. और इसने पृथ्वी का श्राप को जो है उसको तोड़ दिया. That's why Jesus broke the curse. इसीलिए यीशु मसीह ने श्राप तोड़ा. Now let's come to a point. अब हम अपने मुद्दे के पास आए. Now what to do? अब क्या करना है? Now Eve has done. अब हवा ने जो किया किया है. God said what to do? परमेश्वर सोच रहा है क्या करना है? God said I have a plan to reconcile the earth. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास एक योजना है पर जगत को पुनर्स्थापित कर मिलाने के लिए. God has a plan to reconcile. किसी को मुड़कर बोलो कि परमेश्वर के पास योजना है जगत को फिर एक बार मिलाने के लिए. Then Bible says. फिर बाइबल कहती है. After 2000 years. 2000 साल के बाद. He chose. Abraham. उसने इब्राहिम को चुना. And he said to Abraham. और उसने इब्राहिम से कहा. Abraham. इब्राहिम. I have plan to reconcile the earth. मेरे पास योजना है जगत को फिर एक बार मिलाने की. But one thing I want to tell you. लेकिन एक बात मैं तुझे कहना चाहता हूँ. That I want to make a blueprint. मैं एक नीला नक्शा बनाना चाहता हूँ. How my plan is to reconcile the earth. कि मेरा योजना कैसा बना है कि जगत को मिलाने के लिए फिर एक बार. So from your life. कि तेरे जीवन से. I will make the blueprint. मैं उसका नीला नक्शा बनाऊंगा. The whole world will know. कि ताकि पूरा जगत जानेगा. What is my plan? कि मेरी योजना क्या है. You know, Old Testament, I heard many people say, Old Testament is the foundation and the New Testament is a building. मैं कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि जो पुराना नियम है वो एक बुनियाद है और नया नियम है वो एक सच्ची बिल्डिंग या इमारत है. But that's not true. लेकिन ये सच नहीं है. Old Testament is a blueprint. पुराना नियम जो है वो नीला नक्शा है. And New Testament is the foundation. और जो नया नियम है वो बुनियाद है. God is building us. और यही बात परमेश्वर बना रहा है आज हमारे. And today we can see. और आज हम देख सकते हैं. God said to Abraham. परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा. Abraham believed. इब्राहिम ने विश्वास किया. Abraham followed God. इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चला. And God said to Abraham. और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा. I will give you a son. मैं तुझे एक संतान दूंगा. I will give you a son. मैं तुझे एक संतान दूंगा. And the son. और वो संतान. Will be, you know, blessing. वो आशीष होगा. The son will be your seed. वो बेटा तेरा बीज होगा. And with that seed. और उस बीज से. I will bless the nation. मैं राष्ट्र को आशीषित करूंगा. And then he said to Abraham. फिर उसने अब्राहम से कहा, What blueprint I'm going to put it on you? कि जो नीला नक्शा मैं तुझ पर तेरे जरिए से मैं बनाऊंगा, The world will understand. जगत समझेगा, That your one seed, कि तेरा एक बीज, The nation will be blessed. राष्ट्र आशीषित होगा उससे, And your royal seed, और तेरा राजकीय ऐसा बीज, Whole world will be blessed. उससे जगत पूरा आशीषित होगा. When you find out God promised Abraham too. जब परमेश्वर के अभिवचन को देख सकते तो हम देख सकते यहाँ पर, With your this seed, कि तेरे इस बीज से will be nation will be born. राष्ट्र का जन्म होगा. And royal seed. और तेरे राजकीय बीज से. World will be blessed. पूरा जगत आशीषित होगा. And that will be Jesus Christ. और वो होगा यीशु मसीह. And God showed the blueprint. और परमेश्वर ने नीला नक्शा दिखाया. That Abraham gave birth. कि इब्राहिम ने वहाँ पर उसको बेटा and you know, हुआ. That was in old days. और उसके बुढ़ापे के दिनों that's में ये हुआ. That's why they say it was impossible to give birth in that time when it was not possible. That's why they laugh and God gave them because God says that time is coming where world is going to laugh and unbelieve that I'm going to give birth with my power. और उनके समय में वो काफी कठिन था कि बुढ़ापे में उनको संतान या पुत्र प्राप्त हो ताकि वहां पर उस समय लोग हंस रहे थे और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में लोग हंसेंगे और तब जाकर मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा कि कैसे कार्य करता है. The woman will conceive without man. कि स्त्री गर्भवती होगी पुरुष के बगैर. But let me make a blueprint here. लेकिन नीला नक्शा मुझे यहाँ बनाने दो. And let me tell you. और मुझे आपको बताने दो. That in your old days. कि तेरे बुढ़ापे के दिनों में. Isaac will be born. इसहाक जन्म लेगा. And after Isaac. और इसहाक के बाद. He said, put it on the altar. उसे वेदी पर चढ़ा. And that is going to be my love for the world. और वो होगा मेरा प्रेम जगत के प्रति. I'm going to bring my Isaac, my son, on the cross. मैं इसहाक को मेरे पुत्र को उस क्रूस पर लेकर आऊंगा. And he's going to die. और वो मरेगा. And he's going to exchange. और हम वहाँ अदला बदल करेंगे. The blessings of the world. जगत के आशीषों की. And I'm going to adopt my son on the cross. और मैं उस क्रूस पर अपने बेटे को डालूंगा वहां पर. And I adopt whole world to be my son. और उसके बदले में मैं पूरे जगत को अपना बेटा मानकर ले लूंगा. Mm-hmm.
God still has good plan for us. परमेश्वर का अभी भी अच्छी योजना है हमारे लिए. I will give my son. मैं अपना बेटा दूंगा. कितने अर्पण देना तू? कितने अर्पण देना है? देवा तुझे अर्पणा बदल विचार कर तो कभी कभी माझा हृदय तुटत रे. आम्ही आमच्या अर्पणा बदल बोलतो पण कधी कधी तुझा अर्पण बघतो ना तर समजत नाही किती अर्पण देणार तू आमच्या पापांसाठी. आम्ही तुझ्यापासून लांब तरी पण तुझी इच्छा आमच्यासाठी चांगलीच आहे. डोंट लुक डाउन गॉड सॅक्रिफाइस. परमेश्वर के अर्पण को नीचे मत देखो. समटाइम बिकॉज ऑन द क्रॉस यू फॉरगेट दैट वेयर ही इज कम फ्रॉम. कि कभी कभी क्रूस को देखकर हम भूल जाते हैं कि वो कहां से आया है. ही सीटेड अपॉन द थ्रोन ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ. कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ वो सृष्टि का निर्माण करता है. समटाइम बिकॉज ही लीव्स हिज प्लेस एंड कम डाउन टू अस. डोंट अंडरएस्टिमेट. क्योंकि जब जब कभी कभी वो अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर हमारे लिए आता है तो हम भूल जाते हैं उसकी अहमियत को. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? Don't underestimate. कभी नजरअंदाज नहीं करना. Don't let pride come to you. कभी घमंड या गर्व आने मत देना. Don't think you're above God. कि सोचो मत कि परमेश्वर के ऊपर हम हैं. He loves you. वो हमसे प्रेम करता है. You can never be above. हम परमेश्वर के ऊपर नहीं रह सकते. Are you listening what I'm saying? क्या हम सुन रहे हैं? Hold your life, you try, but you can never be above. कि पूरा जीवन कोशिश करो लेकिन कभी उसके ऊंचे नहीं जा सकते हम. He said. I will give my son. उसने कहा कि मैं अपना पुत्र दूंगा. I will reconcile the earth. मैं जगत से मिलन कर लूंगा फिर एक बार. And he said. और फिर उसने कहा. That I will have all the children on the earth like the sons of God. और मैं जगत पर सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे परमेश्वर की संतान है वो. Eve. हवा. You change the door. कि तूने दरवाजा बदल दिया. But Mary will bring the door back. लेकिन मरियम उस दरवाजे को वापस लेकर आएगी. He said to Mary. उसने मरियम से कहा. Mary. मरियम. The one who's going to be born. कि जो जन्मेगा तेरे से. He is going to be blessing to the world. वो जगत के लिए आशीष होगा. जे पाप आदम आणि हवा पासून आला ते पाप तो काढून टाकेन. आणि ते पुण्य तुझ्यातून येणार आहे मेरी. And Mary said, "Okay." मरियम ने कहा ठीक है. But Satan hated this birth. लेकिन शैतान ने इस जन्म से नफरत की. Satan knew whole world is under my hand. शैतान जानता था कि पूरा जगत मेरे हाथ में अभी. शैतानाने आपलं कार्य करून एक कोपरा बसला तो मनाला आता काय करतात करू द्या जग माझ्या हातात आहे. मला जगामध्ये पळायची गरज नाही. मला जे करायचं ते केलं. मी आता कोपरा धरून बसलो आणि म्हणतो नो कंप्लेंट. पण तुझी कंप्लेंट तुला नाही पण देवाने संपूर्ण जगामध्ये आशीर्वाद द्यायचं ठरवलंय. आणि त्या वाटामध्ये देवाने मला विसरलं नाही. ही सेड टू मेरी. उसने मरियम से कहा. मेरी. मरियम. नाउ. अब. द वन ही इज कमिंग. कि वो जो आ रहा है. इज अ शेपर्ड. वो चरवाह है. And he is going to be a door to the world. और वो जगत के लिए द्वार बनेगा. And Mary gave birth. और मरियम ने जन्म दिया. To Jesus. यीशु मसीह को. That God was pleased. कि परमेश्वर संतुष्ट हो चुके थे. कि जहाँ पर परमेश्वर खुश था. He said, "This is my son in whom I am well pleased." उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं संतुष्ट हूँ. And he said. और उसने कहा. This is what. ये वो है. I want the world now. अब चाहता हूं मैं जगत. And I have a new plan. अब मेरे पास एक नई योजना है. To reconcile the world. कि ताकि जगत से मैं मिलान कर लूं एक बार. Physical birth. अब शारीरिक जन्म से बजाय. Now it's spiritual birth. अब आत्मिक जन्म. That will be a manifestation of my sons. जो मेरे बच्चों का वो. As many as believe in me shall be called the sons of God. कि जितने मुझ पर यकीन करे भरोसा करे वो मेरे पुत्र कहलाएंगे. The one who have the new birth. कि जिसके पास वो नया जन्म है. Are the led by the Holy Spirit. आज जो परमेश्वर की आत्मा से चला गए. They are the sons of God. और वो परमेश्वर की संतान है. And that's what he said. और इसीलिए वो कैसा कहता है? I have a new plan. कि मेरे पास नई योजना है. The one is coming. कि जो आ रहा है. He's going to die. वो मरेगा. He'll rise up. वो जी उठेगा. And he'll become door. और वो आएगा. And I will have a mystical body. और मेरे पास एक रहस्यमय शरीर होगा. You are mystical body of Jesus Christ. तुम यीशु मसीह के रहस्यमय शरीर हो. You are the sons of God. तुम परमेश्वर के संतान हो. तुम परमेश्वर से बुलाए गए हो. उससे अभिषेक किए गए हो. You are desired by God. परमेश्वर से इच्छा किए गए हो. You are the one that God is pleased. तुम वो हो जिससे परमेश्वर संतोषित है. No, you are not going to lose because God is fighting your battle. नहीं 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 तुमने हारोगे क्योंकि परमेश्वर लड़ रहा है वो युद्ध. Hallelujah. Hallelujah. Battle is still going on. युद्ध अभी भी चल रहा है. And until that time. और उस समय तक. I win. मैंने जीता. Victory is not there. जीत दर्ज नहीं होगी.
battle is not over. युद्ध खत्म नहीं हुआ. The day I win, जिस दिन मैं जीतूंगा, that day you will know battle is over. उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि युद्ध खत्म हुआ है. Turn to somebody say, my God is a warrior. किसी को मुड़कर बोलो कि मेरा परमेश्वर योद्धा है. Hallelujah. Hallelujah. My God is a warrior. मेरा परमेश्वर योद्धा है. कबूल करते रहो तब तक जब तक तुम उसको धारण नहीं करते. मेरी के बॉस मरियम ने जन्म दिया. वर्ल्ड के अगेंस्ट पूरा जगत खिलाफ उठा. बिकॉज व्हाट ईव डिड क्योंकि जो हवा ने किया इफेक्टेड होल वर्ल्ड उसने प्रभाव डाला पूरे जगत पर. व्हाट मेरी डिड लेकिन जो मरियम ने किया ब्लेस होल वर्ल्ड उसने पूरे जगत को आशीषित किया. होल वर्ल्ड वाज कमिंग अगेंस्ट तो पूरा जगत उसके खिलाफ उठ रहा था. बट गॉड सेज लेकिन परमेश्वर कहता है यू शैल विन द बैटल तू युद्ध जीतेगी. एंड मेरी के बॉस और मरियम ने जन्म दिया. एंड देन यू नो व्हाट और फिर पता है क्या आफ्टर दैट टुडे उसके बाद आज मेरी के बॉस मरियम ने जन्म दिया. That God desired, कि जो परमेश्वर ने इच्छा किया उसे. And after Mary, और मरियम के बाद, has many accepted Christ, जितनों ने मसीह को स्वीकारा, today, आज, they are new born, वो नए जन्मे हुए. आणि आता आम्ही काय करत आहोत माहिती का लोकांना जन्म देत आहोत ख्रिस्तामध्ये. अभी हम क्या करते लोगों को येशु में जन्म देते. हम क्या करते मेरी के जैसे हम क्या करते लोगों को येशु में जन्म देते. और ये जन्म कौन सा है मालूम? ये जन्म परमेश्वर का पुत्र बनने का है. One thing is to be born, the new birth. एक होता है नया जन्म होना. And number two. और दूसरा. Making that grow. उसे बढ़ाना. Fullness of Christ. परमेश्वर मसीह की पूर्णता में. Bible says, don't give birth to a children and leave them on the footpath to die. Bible कहते हैं कि बच्चों को जन्म मत दो ताकि उन्हें फुटपाथ पर रहकर वो मर जाए वहाँ. But give them the birth so you can raise them up. उन्हें जन्म दो ताकि तुम उसे उनका पालन पोषण करके उन्हें बढ़ाओ. Today you know something? आज पता है क्या? We are here. हम यहाँ हैं. To complete. We want to see Jesus fullness in everybody's life. हम यीशु मसीह की पूर्णता को सबके जीवन में देखना चाहते हैं. We want to see every person in a image of Christ. हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति रूप में मसीह के प्रति रूप में. You know Saint Paul says. Saint Paulus कहते हैं. If I don't see any Christian. क्या अगर मैं किसी भी मसीह को ऐसा देखता नहीं हूँ. Who is not in a form of Christ, I get pain as a woman get pain in the birth. जैसे एक स्त्री को गर्भवती होने समय दर्द होता है. You know why he say he spoke God's language that when you give birth not in my image I get pain. Exact the way Saint Paul says it, I get pain of that birth. पता है उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बता रहा था, दर्शा रहा था परमेश्वर के दर्द को कि जब मनुष्य ऐसे बच्चे को जन्म देता है जो परमेश्वर के प्रतिरूप में है तो वैसा दर्द परमेश्वर को होता है. How many of us are today seeing people who are not in the image of Christ and we have that pain? हम में से कितने लोग हैं जो हम देखते लोगों को जो मसीह के रूप में नहीं है और हमें देखकर वैसा दर्द होता है? How many of us are praying for them and helping them and building them? Then criticizing and laughing. हम ऐसे कितने लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, इसके बजाय कि उनकी वहाँ पर निंदा करें. Satan does not have love for you. शैतान के पास तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है. But God has love for you. लेकिन परमेश्वर के पास है. Let's enjoy our Christmas. अब हम अपने क्रिसमस में आनंद करें. Let's enjoy our blessing. अपने आशीषों में आनंद करें. Let's enjoy our birth. हमारे जन्म में आनंद करें. What Adam and Eve lost. जो आदम और हव्वा ने गवाया. That God had planned to reconcile the earth. कि जो परमेश्वर ने योजना बनाई कि जगत को वापस ले आने के लिए. Mary, उसने मरियम से कहा. The one you are going to give birth. कि जिसको तू जन्म देगी. He's going to bring everybody to me. वो सबको मेरे पास लेकर आएगा. And thank God. और धन्यवाद परमेश्वर का. All of us through Jesus Christ. आज हम सब यीशु मसीह के द्वारा. That's why Jesus says. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं. Nobody can come to Father by me. कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मेरे बगैर. मैं वो द्वार हूँ. Today bring people to the door. आज लोगों को उस द्वार के पास लेकर आओ. And give them that birth. और उन्हें वो जन्म दो. You can be like Mary. तुम मरियम के समान हो सकते हो. But let Holy Spirit be their father. लेकिन पवित्र आत्मा को उनका पिता बनने दो. And give them birth. और उन्हें वो जन्म दो. Church is the house of God. कलीसिया परमेश्वर का घर है. I always says. मैं हमेशा कहता हूँ. Church is my mother. कलीसिया मेरी माँ है. And Jesus is my father. God is my father. और परमेश्वर मेरा पिता है. Jesus is my father. यीशु मसीह मेरा पिता है. God is my father. परमेश्वर मेरा पिता है. And church is my mother. और कलीसिया मेरी माँ है. Lord, help me to be faithful. प्रभु मेरी सहायता करना कि मैं विश्वास रहूँ. To you and your church. तेरे और कलीसिया के प्रति. That I may not play with your church. कि ताकि मैं तेरे कलीसिया से खिलवाड़ न करूँ. But I may pray. लेकिन मैं प्रार्थना करूँ. And strengthen your church. और तेरी कलीसिया को ताकत दूँ. Bless your church. तेरे कलीसिया को प्रभु तो आशीष दे. Forgive and forget. सबको माफ करना. All the shortcomings. सारे खताओं के लिए. Help us to seek your face. हमें तेरा चेहरा खोजने के लिए सहायता करना. Help us to serve you. तेरी सेवा करने के लिए Without मदद selfishness. कोई स्वार्थ रखे बगैर no name, no game. कि कोई नाम नहीं कोई खेल It's नहीं your glory. ये तेरी महिमा की
God and church. परमेश्वर और उसकी कलीसिया. Humble. नम्रता. Loving. प्रेम करते हुए. And grow in him. और बढ़ो उसके अंदर. And respect God. और परमेश्वर का सम्मान रखो. And God will bless you.